तो चलो प्यारे बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसा कंटेंट बनाने के लिए बच्चों हमें बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत हार्ड वर्क करता हूँ मैं, तो मुझे प्लीज़ लाइक और शेयर सपोर्ट करो। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। वाटर इन ए बकेट वर्ल्ड विन ए वर्टिकल सर्कल अटैच टू इट। द वाटर डज नॉट फॉल डाउन वेन द बकेट इज इन्वर्टेड एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। वी कंक्लूजन। देखो, अगर ये बाल्टी है और इस बाल्टी में अगर पानी भरे हो, ठीक है, और अगर इस बकेट में पानी है, और अगर इसको तुम इस बकेट को वर्टिकल सर्कुलर मोशन दे देते हो, ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन दे देते हो, ठीक है, एक कांस्टेंट अच्छा खासा वर्टिकल सर्कुलर मोशन दे देते हो, चाहे भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, इसे मतलब नहीं, लेकिन ठीक ठाक भी दे देते हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये पानी किसी भी पॉइंट पे गिरे ना, लीक ना हो, ठीक है ना। चलो, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होगा, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो, अगर ये पानी नहीं गिरेगा, तो नहीं गिरेगा तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कि व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड इट। तो अगर तुम देखोगे तो इस पे जो वाटर है, जो इसमें वाटर है, वो हर पॉइंट पे एक सूडो फोर्स फील करेगा, ठीक है। जो वाटर है वो सूडो फोर्स इधर की डायरेक्शन में फील करेगा, और अपने फ्रेम में, ठीक है, सर्कल के फ्रेम में है, तो सर्कल के फ्रेम में है तो ये रेडियस अगर आर है और जो वाटर है उसका मास एम है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर एक सूडो फोर्स बाहर की डायरेक्शन में फील करेगा, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है और ये ओमेगा से घूम रही है। तो इस सूडो फोर्स की वजह से जो पानी है वो लीक नहीं हो सकता, गिर नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैं इसी के फ्रेम से देख रहा हूँ, मैं सर्कल के फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं सर्कल के फ्रेम से देखूँ तो रियल फोर्स कितने लगेंगे, तो रियल फोर्स यहाँ पे तो एम जी लगेगा एक, और स्ट्रिंग से बंधा हुआ तो स्ट्रिंग में टेंशन टी लगेगा, और एक सूडो फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा, ठीक ना। क्योंकि मैं अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ तो मैं सूडो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, ठीक है ना, या इसको भी वेलोसिटी से मूव कर रहा तो एम बी स्क्वायर ओवर आर लगाऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो इतनी सारी, अगर ये पानी गिर नहीं रहा है, ठीक ना, पानी गिर नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन प्लस एम जी मस्ट बी बैलेंस बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर बाई द फ्रेम ऑफ द सर्कल। सर्कल के फ्रेम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम बी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी। तो एम जी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, ठीक है ना, हमें कंपेयर करना है। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ से जो एम जी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कंपेरिजन करूँगा, तो सबसे पहले मैं कंपेरिजन के लिए यहाँ पे टेंशन जो है स्ट्रिंग में मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू जीरो। ये बात सबको समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर किए हो तो जो टेंशन मिनिमम है हाईएस्ट पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू जीरो, और अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होना है तो टेंशन जीरो से अधिक या जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम बी स्क्वायर माइनस आर माइनस एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये भी हुआ कि एम बी स्क्वायर ओवर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। तो ये यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल गया कि एम जी जो है वो एम जी की वैल्यू या तो लेस देन होगी या तो इक्वल होगी किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर से। मतलब एम जी कभी ग्रेटर नहीं हो सकती, बात समझ में आए। तो एम जी कभी ग्रेटर नहीं हो सकती, तो यहाँ से मुझे कंक्लूजन मिल गया एम जी इज नॉट ग्रेटर देन एम जी इज ग्रेटर देन, ये बिल्कुल गलत है, एम जी इज नॉट लेस देन एम जी इज नॉट लेस, मतलब वही बात घुमा घुमा के करें, एम जी इक्वल होगा, ठीक है ना, और ये एम जी इज नॉट ग्रेटर देन, एम जी की वैल्यू कम होनी चाहिए, या मिनिमम के केस में स्पीड मिनिमम अगर देखोगे तो जी आर अंडर रूट शुड बी लेस देन, ये मिनिमम स्पीड जो है, अगर तुम यहाँ से देखोगे स्पीड की बात करोगे तो टॉप पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड है शुड बी इक्वल टू जी आर अंडर रूट, या स्पीड इससे अधिक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वलिटी मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पे होल्ड हो जाती है कि जो एम जी है ये एक्चुअली ये ऑप्शन इसलिए नहीं सही होता कि एम जी
वी कंक्लूडेड, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि कैसा है, मतलब ये ऑलवेज सही हो जाएगा, तो ऑलवेज का कंडीशन मतलब ये सोच रहे हैं, तो इसलिए ये सही नहीं है। और एम जी इज नॉट ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर ओवर, मतलब एम जी इज लेस देन, वही ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आप इसको इंजॉय किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल के साथ बने रहो प्यारे बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को कुछ मिलेगा।